ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसलिए निश्चय बुद्धि बनो, और जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना आपकी विजय होगी। और निश्चय वालों की निशाने वो श्रीमद प्रमाण चलेंगे, कभी भी भानाबाजी नहीं करेंगे। इसलिए अब दोनों तरफ पांव नहीं रखो, बाबा के ज्ञान में एकदम ऐसे घर में भले रहते हैं लेकिन समर्पित बुद्धि होकर के रहो। ये सब कुछ घर भी बाबा का है, के खेती भी बाबा की है, मैं बाबा के लिए इस दुनिया में जीती हूँ। ये सब कुछ ये सरेंडर बुद्धि बन करके रहना है, विजय बन करके रहना है, और सदा हमें ज्ञान योग करते रहना है। ठीक है, ओम शांति। अभिशेष भाई जी को विदाई देंगे क्या? देंगे? कौन कहता है विदाई देंगे? कभी भी विदाई नहीं देंगे। विदाई देंगे क्या? नहीं देंगे ना, विदाई नहीं देंगे। सबके दिलों में बस गए भगवान। अज्ञान काल में भी कहते थे भगवान सबके दिल में रहता है। दिल में कैसे रहता है? भगवान के बच्चे भगवान स्वरूप बन जाते हैं और सभी के दिलों में बास करते हैं। ऐसे बाबा ने अपने बच्चे बनाए हैं, ऐसे रतन तैयार किए हैं। ऐसे आप भी संकल्प करो कि मैं भी बाबा का बच्चा बन करके दुनिया का अंधकार दूर करने के निमित्त बनूं, दुनिया को रोशनी दूं, ताकि दुनिया कैसे जानेगी परमात्मा को? दुनिया कैसे जानेगी? आपके माध्यम से ही तो जानेगी ना। जब आप जनाओगे तब तो जानेगी ना कि परमात्मा कौन है। बाकी तो पत्थर पूजा, पेड़ पूजा, सबकी पूजा करते रहते हैं। हमारे पास फतेहपुर में पूजा करती थी तो उसको ये था कि सवेरे सवेरे जा करके गाय की पूजा करनी है, तो रोज़ सवेरे गाय की पूजा करती थी। क्लास में भी आती थी, तो क्लास में आई एक दिन सवेरे सवेरे, उसको कोई गधा खड़ा था तो उसी की पूजा करने लग गई। उसके मत्थे में जब तिलक लगाने लगी तो भैं भैं करने लगा तो डर गई, तो आके बताने लगी क्लास में। अंधेरा था, जल्दी 5 बजे आई तो सबसे पहले पंडित ने बताया हुआ था कि गाय की पूजा करनी है, तो वो गधा था सफ़ेद सफ़ेद, उसको गाय नज़र आई, उसी की पूजा करने लगी। लेकिन वो क्लास भी करती थी लेकिन भक्ति पूजा भी करती थी। तो उस दिन बहुत हंसी हुई क्लास में, सुदामा उसका नाम था माता का। तो जानते होंगे, फतेहपुर वाले लोग बैठे होंगे तो जानते होंगे, वो पता नहीं अभी माता है कि नहीं। तो ऐसे कैसे भ्रमित हो जाते हैं, कैसे? अब बाबा ने तो सारी उन बातों से, सभी बातों से मुक्त कर दिया। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू मैं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने अपना दिव्य दर्शन आकर के आदि देव ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया, सारी पहचान दे दी, सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया, आदि मध्यंत की सारी पहचान दे दी, हमारे अनेक जन्मों की सारी पहचान दे दी। तो अब भी अगर हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो आधा पाँव भक्ति में, आधा पाँव ज्ञान में, इससे भी लाभ नहीं होगा। तो संपूर्णता यानी पूर्णता निश्चय बुद्धि बन करके मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ परिचय मुझे दिया है, उसे यथार्थ परिचय से मैं अपना यथार्थ भाग्य कैसे बनाऊँ, उसके लिए प्रयास पुरुषार्थ।